जी बेटा, टॉपिक है हमारा आज का नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दे सकते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द नेचर, ऑल्सो सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। तो उनको नाम जो हमने देना है उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कॉमन और ट्राइवियल मेथड्स, ये फर्स्ट मेथड है नाम देने का, जो कि ओल्ड है, ओल्ड मेथड है। और ये मेथड बेस करता है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला कहां से है, उसका सोर्स हो सकता है, या उसको जहां से वो डिस्कवर हुआ है वहां उस बेस पे इसका नाम हो सकता है, इसकी डिस्कवरी की बेस पे। तो ये उसका जो है वो कॉमन और ट्राइबल नेम का सिस्टम है, कोई खास मेथड नहीं है, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है एग्जिस्ट करता है IUPAC सिस्टम। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इनकी एक यूनियन है, इसने कुछ रूल्स डिजाइन किए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। अब कॉमन और ट्राइवियल नेम्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये सोर्स के नाम पे है। अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड डिस्कवर कर लिया है जिसका आपको सोर्स नहीं पता, तो फिर आप उसको नेम नहीं दे सकते। या फिर ये भी हो सकता है कि ट्राइबल नेम आप किसी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड से सिमिलैरिटी के बेस पे भी आप नेम दे सकते हैं कि ये किस कंपाउंड से मिलता जुलता है, ठीक है, इस बेस पे भी। लेकिन ये कोई एक ऑक्यूरेट पैट मेथड नहीं है, ये आफ्टर अ फ्यू कंपाउंड्स ये नेमिंग सिस्टम जो है फेल हो जाता है। फिर एक आता है सिस्टम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इसने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। बिफोर दैट कि मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कराऊं, इट विल बेटर टू समराइज वंस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा जी बेटा क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने एक छोटा सा रिव्यू रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन डिसिप्लिन्स, वन आर कॉल्ड साइक्लिक एंड अदर कॉल्ड ओपन चेन। साइक्लिक में जो कार्बन है वो रिंग बनाती है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, सो ड्यू टू दिस कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म रिंग्स और लॉन्ग चेन्स। तो जो रिंग स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक जो होते हैं उससे आगे फर्दर दो किस्में, एक वो कैटेगरी इसको हम कहते हैं एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स जो है ये एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिक करेक्टर पाया जाता है। अब एरोमेटिक करेक्टर प्रीवियस क्लासेस में आप ये पढ़ के आए हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है या बेंजीन रिंग नहीं होता, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। बेंजीन रिंग जो है ये एरोमेटिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हो तो फिर ये एरोमेटिक होता है, सर्टेन और क्राइटेरियाज में जिनको हम पढ़ेंगे। तो दूसरे है एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है, यानी ऐसे जिनके अंदर एरोमेटिक करेक्टर नहीं पाया जाता वो एलिसाइक्लिक है, जिनके अंदर एरोमेटिक करेक्टर पाया जाता है वो एरोमेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक्स जो है आगे इनको फर्दर दो हम दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, होते हैं कार्बोसाइक्लिक जिसको हम होमोसाइक्लिक का नाम भी देते हैं। होमोसाइक्लिक मीन सारे के सारे एटम साइकिल के अंदर किसके हैं, कार्बन के हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो सकते हैं, जिस तरह बेंजीन जो है ये 6 के 6 जो एटम है वो कार्बन के हैं, तो ये होमोसाइक्लिक है। जबकि जो
पायरीडीन है, ये देखिए ये बेंजीन है और ये पायरीडीन है, इसमें छठा एटम नाइट्रोजन है, सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। इस तरह एलिसाइक्लिक की भी दो तरह के, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जैसे ये देखें फोर कार्बन रिंग आ गया, इसके अलावा ये देखें फाइव कार्बन रिंग आ गया, ये सारे कार्बोसाइक्लिक हैं। और जबकि हेट्रोसाइक्लिक हैं इसमें ये देखिए डाइऑक्सेन आ गया, ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। दूसरी जो टाइप है दैट इज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन के अंदर जो है वो दो किस्में हैं इसकी, एक है ब्रांच चेन्स और एक है अनब्रांच। अनब्रांच में एक सीधी कार्बन की चेन होती है लाइक एन ब्यूटेन, जबकि ब्रांच के अंदर स्ट्रेट चेन के साथ एक छोटी सी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट भी लगा होता है लाइक दिस। अब देखिए ये एक सीधी चेन है और ये साथ में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, या इसको ब्रांच भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने नेचर के लिहाज से दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी सैचुरेटेड जिसमें नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सो ये एक ब्रीफ जो है वो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम आते हैं कुछ ट्राइवियल नेम्स की तरफ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो ट्राइवियल नेम्स हैं वो उनके ओरिजिन की बेस पे होते हैं, तो हम कुछ ऐसे नेम्स देखेंगे जो उनकी ओरिजिन की बेस पे हैं। जैसे सपोज हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका, ये जो रेड आंट होती है उसके स्टिंग के अंदर पाया जाता है, दैट इज बिकॉज फॉर्मिक एसिड, HCOH। इसी तरह एसिटिक एसिड, आप लोग जानते हैं इसका नाम, एसिटिक एसिड CH3 COOH, लफज निकला है एसिटम से, विनेगर यानी सिरका। इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड, लफज ब्यूटायरम से निकला है विच मीन्स बटर, ये जो खराब मक्खन हो जाता है उसके अंदर ये ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH। इसी तरह पांच कार्बन वाला वैलेरिक एसिड है, एक पौधा है वैलेरियन, उसकी रूट्स में पाया जाता है। सो ये इनके ओरिजिन की बेस पे है, ठीक है। सो इसी तरह जो स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड स्टियर से निकला है जिसका मतलब है टैलो, चर्बी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ट्राइवियल नेम्स की। सो दीज आर नेम्स आर नॉट कॉमन बट दे आर जस्ट यूज्ड टू मेमोराइज अ कंपाउंड। हमारा जो मेन आर्टिकल है वो है IUPAC या नोमेनक्लेचर जो है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली। IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर एक रूट वर्ड और स्टेम वर्ड, नंबर टू प्रीफिक्स, और नंबर थ्री सुफिक्स। इनकी तरतीब इस तरह होगी कि सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा रूट वर्ड, और फिर आएगा
सुफिक्स, इस तरतीब से इसको नाम दिया जाएगा। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये रूट वर्ड प्रीफिक्स और ये सुफिक्स क्या है। सबसे पहले देखिए रूट वर्ड। रूट वर्ड जो है ये एक्सप्रेस करता है द बेसिक कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन की, जो बुनियादी कार्बन चेन है वो कौन सी है, बुनियादी कार्बन चेन जो है वो कौन सी है। ये जो रूट वर्ड है ये उसको एक्सप्रेस करता है। हमारे पास जो कार्बन चेन्स हैं अगर हम देखें तो C1 यानी एक कार्बन वाली को बोलते हैं मिथेन, अल्केन को, तो उसके एंड वाला ये आप हटा दें तो जो एक कार्बन वाली चेन होगी उसको मेथ बोलेंगे, जो दो कार्बन वाली चेन होगी उसको बोलेंगे एथ, तीन कार्बन वाली चेन को प्रोप, चार कार्बन वाले चेन को ब्यूट। ये जो चार नाम है, पहले चार ये ड्राइव किए गए हैं फ्रॉम ट्राइवियल नेम्स, जबकि इससे जो आगे वाले नेम हैं वो ग्रीक्स न्यूमेरिक के नाम पे हैं। जिस तरह C5 जो कार्बन को कहेंगे पेंट, ग्रीक पेंट, ग्रीक में पेंट 5 को कहते हैं, C6 हेग्स, ये सारे ग्रीक न्यूमेरिक्स हैं। इसी तरह C7 को हेप्ट कहेंगे, अगर कार्बन 8 है तो ऑक्ट कहेंगे, कार्बन 9 है तो नॉन कहेंगे, कार्बन 10 है तो डेक कहेंगे, कार्बन 11 है तो अनडेक कहेंगे, अनडेक, कार्बन 12 है तो डूडेक, कार्बन 13 है तो ट्राइडेक एंड सो ऑन। ये जो है रूट वर्ड मैंने बता दिया आपको कि जो बेसिक कार्बन स्केल्टन है या बेसिक कार्बन चेन है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये वाले रूट वर्ड्स हो सकते हैं, आपने इनको देख लेना है कि अगर कार्बन जो बुनियादी कार्बन चेन है, जब ये रूट वर्ड का आपको आइडिया प्रॉपर उस वक्त होगा। जी, रूट वर्ड और स्टेम वर्ड को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं साबका, यानी जो रूट वर्ड से पहले आएगा। ये बेसिकली जो प्रीफिक्स होती है एनी सब्स्टिट्यूएंट एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू बेसिक कार्बन स्केलेटन, जो बेसिक कार्बन स्केलेटन पर लगा होगा उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन हेलो, हेलोजेंस, हेलोजेंस में कौन कौन से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, हेलोजेंस के अंदर ये वाले हो सकते हैं। इसके अलावा
NO2, नाइट्रो, OR, अल्कोक्सी, NO, नाइट्रोसो, R, अल्काई। तो ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ये वाले आएंगे तो इसको हम प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करें, प्रीफिक्स के तौर पर, ठीक है। प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड से पहले इनको हम इस्तेमाल करेंगे, रूट वर्ड के बाद हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें नोट करते जाएंगे क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से बार बार ये आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। इनमें जो मेन चीज है वो है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो उसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स कौन से हैं। मैं इसका मटेरियल सेंड भी कर दूंगा आपको। अल्काइल ग्रुप जो है ये बनता कैसे है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अल्केन माइनस हाइड्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे मीथेन है CH4, एक हाइड्रोजन निकाल दें CH3, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। डिफरेंट दैट इज कॉल्ड इथाइल। दैट इज कॉल्ड प्रोपाइल। इसको एन प्रोपाइल भी आप कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, वैसे तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल है लेकिन नोमेनक्लेचर में हम इसको आइसोप्रोपाइल के नाम से सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखते क्योंकि आइसोप्रोपाइल जो है ये IUPAC का सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बेसिकली जब अगर ऐसी सूरत आ जाए तो फिर हम ब्रांच को अलग से करते हैं। जैसे अगर ये ब्रांच है तो 1, 2, 3 इट इज 2-प्रोपाइल, इट इज कॉल्ड, सॉरी 2-प्रोपाइल नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे मिथाइल 1-मिथाइल-प्रोपाइल। दिस विल बी कंसिडर्ड एज रूट 1 एंड 2। ये 1 पे मिथाइल लग गया, दिस इज कॉल्ड 1-मिथाइल-इथाइल, ठीक है। इसी तरह CH3, CH2, CH3 ऐसे कर लें इसको 1, 2, 3, फिर 1-मिथाइल प्रोपाइल। तो इनको हम बजाय इसके आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल नेम करें, इसको हम इस तरह नेम करेंगे। जब आप मजीद एग्जांपल्स देखेंगे ना तो फिर आपको मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह ये हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आ गया है, जैसे देखें CH2 CH सिंगल बॉन्ड, ये अगर इथेन से निकला होता तो इथाइल था। अब चूंकि इथेन से निकला है तो इसको बोलेंगे इथिनाइल। अगर हम इसको ऐसे कर दें दिस वन तो इसे कॉल्ड इथाइनाइल। तो जरूरी है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका सैचुरेटेड ही हो, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसका जो प्रॉपर जो लिटरेचर है वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इसके बाद है सुफिक्स। सुफिक्स जो होता है ये एक्चुअली मेन
फंक्शनल ग्रुप होता है जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं इसको मेन इसलिए कह रहा हूं कि सम टाइम देर आर प्रेजेंट मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो फिर हम प्रायोरिटी देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी मेन होगी वो सफिक्स बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो एज ए ब्रांच आ जाएगा। तो इसमें भी अल्कीन हो सकती है, इसके अलावा अगर अल्कीन है तो एंड पर हम ई एन ई का इजाफा करेंगे, अगर हमारे पास अल्काइन है तो हम वाई एन ई का इजाफा करेंगे, अगर हमारे पास अल्कोहल है तो हम एंड पर ओ एल का इजाफा करेंगे, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम एंड पर ओ आई सी एसिड का इजाफा करेंगे, अगर कीटोन है तो एंड पर हम सुफिक्स ओ एन ई ओन लगाएंगे, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो एंड पर ए एल लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट हमारे पास एक लिस्ट होती है, वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है वो ये गूगल क्लासरूम में आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो हमने सुफिक्स देख लिया, हमने रूट वर्ड देख लिया, हमने प्रीफिक्स देख लिया। तो हमने जो अपना पैटर्न रखना है वो रखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड एंड देन सुफिक्स, इस पैटर्न पे हमने इनको नाम देना है। सो ये था आज का लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल से हम इंशाल्लाह अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे।